हे गाइस, योर डेली दोस्त सुपर गोब्लिन। आज हम जानने वाले हैं कि सोल्जर बॉय है कौन, इस कैरेक्टर का ओरिजिन एंड पावर, और तो कॉमिक बुक में एक कैरेक्टर है कैसा, कौन सी कैरेक्टर का सस्ता वाला कॉपी है, ये भी जानने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्ट इंट्रो के बाद। सोल्जर बॉय की कॉमिक की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। ये सोल्जर बॉय कॉमिक में कैसा कैरेक्टर है। कॉमिक में सोल्जर बॉय पेबैक टीम का एक मेंबर था, जिस टीम का लीडर स्टॉर्मफ्रंट था। बाय द वे, स्टॉर्मफ्रंट कॉमिक में एक लड़की नहीं एक लड़का था, क्योंकि स्टॉर्मफ्रंट इस टीम का सबसे पावरफुल मेंबर था। फिर भी सोल्जर बॉय इस टीम का असली सुपर हीरो था, जो कि ना स्टॉर्मफ्रंट को साफ करता था। गजब बेइज्जती थी यार, ये बंदा किसी के लिए कर्स नहीं था, खुद का टीममेट से कभी भी सेक्सुअल रिलेशन में नहीं गया था। सोल्जर बॉय की टेक नाइट एंड ईगल द आर्चरी के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा था, बाकी मेंबर्स से कुछ ज्यादा ही अच्छा। अब प्रेजेंट सोल्जर बॉय के बारे में जान लेते हैं। बाकी सुपर हीरो में से ये बंदा कुछ ज्यादा ही ना समझता। सोल्जर बॉय एक नंबर का डरपोक है, और ऐसा सुपर हीरो है कि मुश्किल वक्त देख के भागने के लिए एक सेकंड नहीं सोचेगा, जैसा कि हम द बॉयज के इशू 33 के कवर में देख सकते हैं। सोल्जर बॉय इतना चुतिया है कि 10-7 में ज्वाइन होने के लिए होमलैंडर का साथ सेक्स भी किया था, यही सोच के कि 10-7 में ज्वाइन होने के लिए यही कोई टेस्ट है। और एक मजेदार बात बताऊं क्या, सोल्जर बॉय जब भी फाइट करता है, ऐसे तो फाइट नहीं करते, मगर जब भी फाइट करता है पैंट तो गिली होती है, साथ में खुद का कंट्री का नाम नॉनस्टॉप कहता है रोते हुए। इस तरह बॉट ने सोल्जर बॉय को एक काम दिया था द बॉयज को कैप्चर करने के लिए, मगर बूचर पहले ही समझ गया था डाल में कुछ काला नहीं है, पूरा डाल ही काली है। बाद में जाके पता चलता है कि सोल्जर बॉय को ये एक टाइटल है, जो कि ना टाइम बाय टाइम किसने लिया था, जैसा स्टीव रॉजर के बाद अब सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बने। इस बंदे का ओरिजिन एंड एक कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर का कॉपी है, और क्या क्या सिमिलरिटी है उस कैरेक्टर का साथ, ये भी जान लेते हैं। सोल्जर बॉय की ओरिजिन हमारा कैप्टन अमेरिका जैसा ही है, जो कि ना कॉम्पाउंड भी पीने से सोल्जर बॉय बने, और कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर सीरम से बने। द बॉयज की कॉमिक में सबसे पहला सुपर हीरो सोल्जर बॉय है, जैसा एमसीयू में कैप्टन अमेरिका। दोनों ही वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा था, और सोल्जर बॉय पहले लीडर था एवेंजिंग स्क्वाड का। सुना सुना लग रहा है ना, जी हाँ, एवेंजर आप 1 करोड़ जीत चुके। सेम दोनों का पास ही शील्ड है, और तो कॉस्ट्यूम भी कुछ हद तक सेम है, शॉर्ट में बोल सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका का सस्ता वाला पैराडी है। अब सोल्जर बॉय की पावर के बारे में जान लेते हैं। सोल्जर बॉय एंड कैप्टन अमेरिका का पावर भी सेम है कुछ हद तक, दोनों ही खुद का पावर को लिमिटेशन को इंक्रीज कर सकता है। सोल्जर बॉय स्ट्रेंथ रिफ्लेक्स एंड एजिलिटी को इनहांस कर सकता है, इंजरी होने के बाद भी वो नॉन स्टॉप फाइट कर सकता है, मगर ये चीज कैप्टन अमेरिका नहीं कर सकता। जैसा कॉमिक में जब बूचर उसका नाक को काट दिया था, फिर भी वो नॉन स्टॉप फाइट कर रहा था, उसका हीलिंग फैक्टर बहुत ही अच्छा है, और तो कैप का जैसा समझदार नहीं है, जिसलिए वो फाइट के दौरान में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो समझ नहीं सकता। सीरीज में शायद सोल्जर बॉय की ओरिजिन कुछ हद तक चेंज कर सकता है, और पावर को भी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट करो। आज के दुनिया में इतना ही, बाय गाइस।